नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं पृथ्वी की गतियां। इस पृथ्वी की गतियों को हमने दो भागों में बांटा था, जिसमें एक भाग था आपका दैनिक गति का और दूसरा भाग है आपका वार्षिक गति का। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस पृथ्वी की गतियों को आगे पढ़ते हैं और इसमें अपन दूसरा पार्ट है वो आज क्लियर करते हैं। देखिए दोस्तों, टॉपिक चल रहा था आपका कौन सा, पृथ्वी की गतियों का, यानी पृथ्वी की गतियां। और इसमें हमने पढ़ा था कि पृथ्वी की जो गतियां है ये खगोलीय गति कहलाती है और खगोलीय गति को हमने दो भागों में बांटा था, जिसमें एक भाग था आपका दैनिक गति का, एक भाग था आपका दैनिक गति का और दूसरा भाग था आपके सामने वार्षिक गति का। दोस्तों, आज इस वार्षिक गति के ऊपर अपन देखिए चर्चा करेंगे कि वार्षिक गति क्या होती है और कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहां से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर देखें। देखिए दोस्तों, पृथ्वी की गतियों में अपन शुरुआत करेंगे दूसरे भाग की और दूसरा भाग है आपके सामने आज वार्षिक गति का, यानी वार्षिक गति। इस वार्षिक गति की बात करें तो वार्षिक गति को दोस्तों कहा जाता है परिक्रमण गति। कौन सी गति कहा जाता है? परिक्रमण गति। और इसी परिक्रमण गति को दोस्तों कहा जाता है आपके सामने अक्षांशीय गति। अक्षांशीय गति ये पहले आपको ध्यान में यहां से रखना है। यानी वार्षिक गति को परिक्रमण गति कहा जाता है, अक्षांशीय गति कहा जाता है। अब दोस्तों, वार्षिक गति या फिर परिक्रमण गति क्या होती है? देखिए, यहां पर इसकी अगर परिभाषा को पढ़ते हैं तो दोस्तों आपके सामने ये पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है। और ये पृथ्वी आपके सामने देखिए अपने अक्ष पर घूमती है, यानी ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो यहां से दोस्तों आपके सामने परिभाषा बनेगी कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो अक्ष पर घूमने के साथ साथ, यानी घूमने के साथ साथ देखिए दोस्तों आपके सामने वो सूर्य के चक्कर भी लगाती है। क्या करती है? सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग के रूप में, अंडाकार मार्ग पर एक चक्कर है वो पूरा करती है, एक चक्कर पूरा करती है। तो दोस्तों उसको क्या कहा जाएगा? तो याद रखना, उसको कहा जाता है भूकक्ष। क्या कहा जाता है उसको? भूकक्ष कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये जो आपके सामने पृथ्वी की ये जो गति है, ये गति क्या कहलाती है? तो याद रखेंगे, ये पृथ्वी की जो गति है ये परिक्रमण गति या वार्षिक गति कहलाती है। यानी ये जो गति है आपके सामने कौन सी गति कहलाती है? ये परिक्रमण गति कहलाती है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये वार्षिक गति है वो कहलाती है। तो यहां से आपसे ये कहा जाए कि वार्षिक गति या दोस्तों परिक्रमण गति या अक्षांशीय गति किसके किसे कहा जाता है या किसको कहा जाता है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी सदैव देखिए अपने अक्ष पर घूमती है और अक्ष पर घूमने के साथ साथ दोस्तों ये सूर्य के भी चारों ओर चक्कर लगाती है। तो देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर घूमती है। तो यहां पर देखिए, ये पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो साथ के साथ ये सूर्य के चारों ओर क्या करती है? एक अंडाकार मार्ग पर एक चक्कर पूरा लगाती है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? भूकक्ष कहा जाता है। लेकिन ये जो गति कर रही है, जो सूर्य के चारों ओर जो गति हो रही है पृथ्वी की, वो गति क्या कहलाती है? परिक्रमण गति या वार्षिक गति या अक्षांशीय गति कहलाती है।
क्लियर है। लेकिन दोस्तों ये जो आपके सामने जो गति होती है, यानी जो सूर्य के चारों ओर जो गति होती है, ये गति आपके सामने कितने दिन में होती है? तो याद रखना दोस्तों, ये जो आपके सामने गति होगी वो 365 दिन में होगी। कितने दिन में? 365 दिन 6 घंटे में। याद रखना, 365 दिन 6 घंटे में ये गति करती है। तो याद रखना कि पृथ्वी की जो वार्षिक गति है वो कितने दिन की होती है? तो वार्षिक गति तो दोस्तों कितने दिन की होगी? 365 दिन 6 घंटे की होगी। और यदि आपके सामने दैनिक गति पूछे तो दैनिक गति है वो कितने दिन की होती है? तो वहां पर आपको बताना 24 घंटे की होती है। 24 घंटे, यानी मैंने आपको पिछले वीडियो में दैनिक गति के बारे में चर्चा करके बताया था, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि वार्षिक गति का जो समय रहेगा वो 365 दिन 6 घंटे का रहेगा। लेकिन कई बार दोस्तों इसका देखिए, आप यहां से सीधा विस्तार याद रखेंगे कि 365 दिन, इसके अलावा 5 घंटे और इसके अलावा 48 मिनट और 46 सेकंड, इतना समय आपको यहां से मिलेगा। यानी ये जो 6 घंटे हैं, इस 6 घंटे को यहां से देख सकते हैं कि 5 घंटे 48 मिनट आपकी 46 सेकंड के रूप में यहां से प्राप्त हो जाएगी। तो यहां पर पृथ्वी की जो वार्षिक गति है वो देखिए 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड की ये गति होती है। लेकिन दोस्तों ये गति किस हिसाब से होती है? तो याद रखना है 29.8, कितनी? 29.8 किलोमीटर ये प्रति सेकंड के हिसाब से आती है, ठीक है। यानी यहां से आप देखेंगे वार्षिक गति, तो वार्षिक गति या परिक्रमण गति किसे कहा जाता है, या अक्षांशीय गति है वो किसे कहा जाता है, कि पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर घूमती है और अक्ष पर घूमने के साथ साथ ये सूर्य के चारों ओर भी एक अंडाकार मार्ग पर चक्कर लगाती है। और इसे क्या कहा जाता है? भूकक्ष कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है इसे? भूकक्ष या भूकक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूकक्षा कहा जाता है। और इस गति को परिक्रमण गति या वार्षिक गति कहा जाता है। ये गति 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में ये पूरा करती है। यानी एक चक्कर आपका पूरा करेगी कितने दिन में? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में ये अपना एक चक्कर पूरा करती है। किस हिसाब से करती है? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ये गति करती है। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद में देखिए, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब वार्षिक गति को पढ़ते हैं तो वार्षिक गति के तहत देखिए क्या होता है। यानी इस वार्षिक गति के तहत देखा जाए तो दोस्तों आपके सामने दिन और रात का छोटा बड़ा होना, छोटा बड़ा होना। यानी आपसे ये कहा जाए कि वार्षिक गति के तहत अगर पृथ्वी पर देखें तो पृथ्वी पर दिन रात का क्या होगा? छोटा बड़ा होना। और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों आपके सामने क्या होगा? ऋतु में परिवर्तन होगा। किसमें परिवर्तन होगा? ऋतु में परिवर्तन होगा। और ऋतु में परिवर्तन होने के साथ साथ दोस्तों आपके सामने देखिए क्या होगा? तो वर्ष का बनना, यानी वर्ष का बनना है वो किस गति के तहत होगा? वो याद रखिए दोस्तों आपके सामने वार्षिक गति के तहत होगा। यानी पृथ्वी पर वार्षिक गति के तहत ही देखा जाए तो इसके क्या परिणाम निकल कर आएंगे? दिन रात का छोटा बड़ा होना, इसके अलावा ऋतु में परिवर्तन होगा और इसके अलावा वर्ष का बनना होगा। अब दोस्तों ये दिन रात का छोटा बड़ा किस प्रकार से होगा, यहाँ पर ऋतु में परिवर्तन कैसे होगा और वर्ष का बनना कैसे होगा, तो ये सारे का सारा जो प्रयोग होगा वो इस पृथ्वी के कारण ही होगा। कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमती है या अंडाकार मार्ग पर घूमती है तो साथ के साथ वो सूर्य के चक्कर भी लगाती है। तो मैंने कहा कि जब पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर घूमती है तो वो 24 घंटे में देखिए एक चक्कर पूरा करती है। वो तो आपकी दैनिक गति, यानी उस समय तो दिन रात बनते हैं, लेकिन वार्षिक गति के तहत देखिए दोस्तों आपके सामने पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपना चक्कर पूरा करती है। क्लियर है इतनी बात?
अब देखिए आपको ये ध्यान रखना कि वर्ष में आपके सामने देखिए कभी कभी दिन छोटे होते हैं, कभी कभी बड़े होते हैं। यानी दिन क्या होता है, छोटा होता, कभी रात छोटी होती, कभी रात बड़ी हो जाती है, दिन छोटे हो जाते हैं। और ऋतु, कभी वर्षा ऋतु आती है तो कभी शरद ऋतु आती है, कभी बसंत ऋतु आती है। तो वो इन्हीं प्रति के घूर्णन के दौरान होती है। तो देखिए उनके ऊपर भी हम देखिए चर्चा करते हैं। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट है वो दोस्तों ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर करें ताकि जो स्टूडेंट हैं इनकी तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी फायदेमंद हो जाए। तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें और साथ के साथ आप इनको लाइक करें और कमेंट करके सुझाव जरूर दें। अगर दोस्तों इतनी चीज आपके समझ में आ गई है तो आगे देखिए इसी पृथ्वी की इस दूसरी गति को पढ़ते हैं जो आपकी वार्षिक गति के रूप में हम पढ़ रहे हैं। देखो ये सारा का सारा जो कार्य होगा वो अक्षांशीय दृष्टि के कारण होगा, अक्षांश रेखाओं के कारण होगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर ये आपके सामने दोस्तों क्या है, पृथ्वी है। ये क्या है, पृथ्वी है। ये भाग आपके सामने देखिए किसका होगा, उत्तरी ध्रुव का। ये भाग किसका होगा, उत्तरी ध्रुव का। और यहां पर जो भाग है दोस्तों वो भाग आपके सामने किसका होगा, दक्षिणी ध्रुव का। यानी एक तरफ आपके सामने ऊपर उत्तरी ध्रुव है और नीचे आपके सामने दक्षिणी ध्रुव है। तो यहां से देखिए ये उत्तरी ध्रुव है और यहां पर ये दक्षिणी ध्रुव है। ये आ गया आपका उत्तरी ध्रुव का भाग और यहां पर आ गया आपके सामने दक्षिणी ध्रुव का भाग। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि ये आपके सामने केंद्र बिंदु है और इस केंद्र बिंदु के बीचों बीच यहां से देखिए एक रेखा है और इस रेखा का नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको नाम दिया गया है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। और इनको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यदि आपने ग्लोब का टॉपिक नहीं पढ़ा है तो दोस्तों आप ग्लोब का टॉपिक जरूर देखें ताकि आपकी ये सारी चीज है वो क्लियर हो जाए। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता, इस रेखा से ऊपर देखिए ये जो आपके सामने ऊपर वाला भाग है दोस्तों, ये जो आपके सामने ऊपर वाला भाग है ये भाग पूरा का पूरा देखिए उत्तरी गोलार्ध का है। ये कौन सा भाग है, आपके सामने उत्तरी गोलार्ध का भाग है। तो ध्यान रखेंगे कि 0 डिग्री से ऊपर वाला भाग है ये उत्तरी गोलार्ध का है, जबकि इसके नीचे वाला जो भाग है दोस्तों वो भाग आपके सामने किसका है, ये आपके सामने दक्षिणी गोलार्ध का है। किसका होगा, यहां पर देखिए ये आपके सामने ये 0 डिग्री से नीचे का जो पार्ट है, 0 डिग्री से नीचे का जो भाग है ये आपके सामने दक्षिणी गोलार्ध का भाग है। यानी आधे आधे गोले को हमने यहां से क्या कर दिया, बांट दिया। देखिएगा यहां से आपके सामने ये सारी की सारी चीजें है वो क्लियर हो जाएगी। दोस्तों इस वाले भाग की बात करें तो ये भाग तो है आपके सामने कौन सा, उत्तरी गोलार्ध का। कौन सा भाग है, उत्तरी गोलार्ध का। और इसके नीचे वाले भाग की बात करें तो ये भाग है दोस्तों आपके सामने किसका, ये दक्षिणी गोलार्ध का है। ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है और यहां पर आपकी 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य या विषुवत रेखा है। अब देखिए इस 0 डिग्री से ऊपर देखिए दोस्तों, तो यहां पर आपके सामने देखिए एक रेखा है और उस रेखा का नाम है आपके सामने 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा दोस्तों कहलाती है करक रेखा। क्या कहलाती है, करक रेखा। और इस 0 डिग्री से नीचे की बात करें तो यहां पर भी मित्रों आपके सामने एक रेखा है जिसको नाम दिया गया है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। और इस अक्षांश रेखा को कहा जाता है दोस्तों मकर रेखा। क्या कहा जाता है, मकर रेखा। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखो जब यहां पर हम देखते हैं तो यहां पर है आपके सामने देखिए ये सूर्य। क्या है, यहां पर ये सूर्य।
अब जैसे ही सूर्य देखिए आपके सामने उदय होता है तो सूर्य की किरणें वो कहां पर गिरेगी, इस पृथ्वी पर गिरेगी। सूर्य की किरणें कभी देखिए उत्तरायण होती है तो कभी दक्षिणायन होती है और कभी सीधी किरणें पड़ती है। तो सूर्य की जब यहां पर पृथ्वी पर किरणें पड़ेगी तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपके सामने दिन रात का छोटा बड़ा होना वो आपको मिलेगा, आपको ऋतु में परिवर्तन है वो मिलेगा और साथ ही साथ वर्ष है वो बनते जाएंगे। अब कैसे होगा, सबसे पहले देखिए कर्क रेखा के ऊपर हम देखिए चर्चा करें। एक एक करके आपको मैं तीनों चीजें बताऊंगा कि जब सूर्य की किरण कर्क रेखा पर पड़ेगी तो उस समय क्या होगा, सूर्य की किरणें जब मकर रेखा पर पड़ेगी तो उस समय क्या होगा, और 0 डिग्री पर जब सूर्य की किरणें पड़ेगी तो पृथ्वी पर क्या होगा। अब आपको ये तो पता है कि देखिए भारत की स्थिति है जो आपके सामने देखिए कहां पर है, यहां पर मान लेते हैं कि भारत की स्थिति यहां पर है, ठीक है। और भारत में आपके सामने राजस्थान भी शामिल है। देखो सबसे पहले यहां पर है ये पृथ्वी और इस पृथ्वी में यहां पर है आपकी 0 डिग्री और 0 डिग्री से ऊपर मान लेते हैं ये कर्क रेखा। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। अब जैसे ही देखिए आपके सामने यहां पर है मान लेते हैं सूर्य, यहां पर क्या है, ये सूर्य है, यहां पर आपके सामने सूर्य है। अब देखिए 0 डिग्री यानी यहां पर आपके सामने ये भूमध्य या विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा से ऊपर ये पार्ट आपके सामने देखो कौन से गोलार्ध का है, उत्तरी गोलार्ध का है और इसके नीचे वाला भाग ये किसका है, दक्षिणी गोलार्ध का। क्लियर हुई बात। अब देखो ध्यान से देखो कि जब सूर्य की किरणें देखिए कहां पर गिरेगी, इस कर्क रेखा पर गिरेगी दोस्तों, कहां पर गिरेगी, कर्क रेखा पर गिरेगी, कर्क रेखा पर। जैसे ही सूर्य की किरण कर्क रेखा पर गिरेगी और कर्क रेखा पर किस दिन गिरेगी तो दिमाग में रखना है 21 जून, डेट जरूर याद रखना मित्रों 21 जून। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर किस दिन पड़ती है सीधी, याद रखोगा 21 जून यानी अब दिमाग में रखो कि 21 जून का महीना है, जून का महीना और तारीख 21 है तो 21 जून को सूर्य की किरण है वह कट पड़े कर्क रेखा पर पड़े और जैसे कर्क रेखा पर पड़ती है तो उस समय देखो ये पूरा का पूरा भाग है ये उत्तरी गोलार्ध का है, पूरा भाग है उत्तरी गोलार्ध का। उस समय इस संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध की बात करा तो उत्तरी गोलार्ध का माने दोस्तों तापमान क्यों जा बढ़ जा, जब यहाँ का तापमान बढ़ेगा तो दक्षिणी गोलार्ध का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर गिरेगी तो उस समय संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ेगा जबकि दक्षिणी गोलार्ध में तापमान घटेगा, कम होगा। जब यहाँ का तापमान ज्यादा होगा तो दोस्तों याद रखना यहाँ का वायु दाब कम होगा, कब, 21 जून को जब सूर्य की किरण कर्क रेखा पर पड़ेगी उस समय। उसके बाद में देखिए जब उत्तरी गोलार्ध में वायु दाब देखिए कम होगा तो यहाँ का दक्षिणी गोलार्ध का वायु दाब वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और इसी समय इस उत्तरी गोलार्ध में देखिए दिन की बात करें तो दिन तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध का दिन है वो कैसा हो जाएगा, तो याद रखना है छोटा हो जाएगा। जब यहाँ का दिन छोटा होगा तो यहाँ का दिन बड़ा होगा और यहाँ की रात कैसी हो जाएगी, तो याद रखना है यहाँ की रात छोटी हो जाएगी और यहाँ की रात कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। बात समझ में आई, यानी जब सूर्य की किरण कर्क रेखा पर पड़ेगी, जब सूर्य की किरण 21 जून को कर्क रेखा पर पड़ेगी तो उस समय संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में तापमान ज्यादा होगा, वायु दाब कम होगा, दिन बड़ा होगा, रात छोटी हो जाएगी। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसके अपोजिट परिवर्तन होगा, जब इधर का तापमान ज्यादा तो इधर का तापमान दक्षिणी गोलार्ध का कम है, जब यहाँ पर वायु दाब कम है तो यहाँ पर वायु दाब ज्यादा है, जब यहाँ का दिन बड़ा होगा तो दक्षिणी गोलार्ध का दिन कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जब यहाँ की रात छोटी है तो इधर की रात कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब देखो जून का महीना होता है तो जून के महीने में क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है, पड़े गर्मी 21 जून को यानी जून के महीने में गर्मी पड़ती है और गर्मी जब पड़ती है तो उस समय ऋतु कौन सी प्रारंभ हो जाती है, ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु,
ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है, और इस ग्रीष्म ऋतु के समय देखिए यहां पर आपके सामने कौन सी ऋतु चालू हो जाती है, फिर वर्षा ऋतु। तो यहां पर ध्यान रखें कि 21 जून को जब सूर्य की किरणें देखिए कर्क रेखा पर पड़ेगी तो उस समय देखिए कौन सी ऋतु है वो प्रारंभ हो जाती है, तो याद रखना है वर्षा ऋतु है वो प्रारंभ हो जाती है। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिए ये चीज तो दिमाग में बैठी गई आपके कि जब सूर्य की किरण 21 जून को कर्क रेखा पर पड़ेगी तो उस समय देखो गर्मी पड़ती है, और गर्मी में देखिए आपके सामने कौन सी ऋतु प्रारंभ हो जाती है, वर्षा ऋतु है वो प्रारंभ हो जाती है। लेकिन जून से पहले देखिए गर्मी है वो अत्यधिक ज्यादा रहती है, तो उस समय देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इस भूमध्य रेखा से ये सूर्य की किरणें वो कर्क रेखा की ओर उत्तरायण होगी, तो उस समय ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होगी। जैसे ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो जाएगी तो वर्षा ऋतु का आगमन हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। ये तो है सूर्य की किरण जब कर्क रेखा पर पड़ेगी उस समय। अब देखो जब मकर रेखा की बात करेंगे दोस्तों तो वहां पर इसका कार्य वो अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपोजिट। तो यहाँ पर आप जून के महीने में यहाँ पर देख सकते हो, यानी भारत और राजस्थान यहाँ पर है, तो भारत और राजस्थान में आप देख सकते हो जून के महीने में जब सूर्य की किरण उत्तरायण हो जाएगी कर्क रेखा पर आ जाएगी तो देखो भारत में तापमान ज्यादा हो जाएगा, वायु दाब कम हो जाएगा, और आपने दिन कहाँ का हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, रात कहाँ की हो जाएगी छोटी हो जाएगी। देखो सूर्य की किरण जब कर्क रेखा पर पड़ेगी उस समय। क्लियर है? अब देखो आगे चर्चा करते हैं भूमध्य रेखा पर और मकर रेखा पर। देखो यहां पर है आपका सूर्य, यहां पर है आपके सामने सूर्य। अब सूर्य की किरण देखिए दोस्तों आपके सामने कहां पर आ जाएगी, यहां पर, यानी इस मकर रेखा पर आ जाएगी। जब सूर्य की किरण देखिए मकर रेखा पर गिरेगी, जब सूर्य की किरण मकर रेखा पर गिरेगी तो कब गिरेगी, ये 22 दिसंबर के दिन गिरेगी। अब सूर्य की किरण जैसे ही मकर रेखा पर गिरेगी तो ये जो भाग आपके सामने पूरा का पूरा भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध का, किसका भाग है, दक्षिणी गोलार्ध का। तो इस दक्षिणी गोलार्ध के तापमान में देखो क्या हो जाएगी, तापमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जब तापमान में वृद्धि होगी तो यहाँ के वायु दाब में कमी हो जाएगी, यानी 22 दिसंबर को जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर गिरेगी तो उस समय संपूर्ण दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाए तो दोस्तों तापमान ज्यादा हो जाएगा, वायु दाब कम हो जाएगा। लेकिन यहां पर इस उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध का जो तापमान है वो तापमान तो कम हो जाएगा और यहाँ का वायु दाब है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और जब 22 दिसंबर को सूर्य की किरण मकर रेखा पर गिरेगी तो उस समय यहाँ का दक्षिणी गोलार्ध का दिन है वो दिन कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और उत्तरी गोलार्ध में दिन है वो कैसा हो जाएगा दोस्तों, छोटा हो जाएगा। जब यहाँ का दिन बड़ा होगा तो दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध की रात है वो कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और यहाँ की रात है वो कैसी हो जाएगी दोस्तों, तो याद रखना उत्तरी गोलार्ध भी बड़ी हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई, यानी 22 दिसंबर को जब सूर्य की किरण मकर रेखा पर गिरेगी तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध में तापमान ज्यादा होगा, वायु दाब कम होगा, दिन बड़ा हो जाएगा, रात छोटी हो जाएगी। लेकिन इस टाइम पर यानी 22 दिसंबर में जय सूर्य की किरण दक्षिणायन हो जा मकर रेखा पर गिरे, जना देखो राजस्थान या भारत में आप देखोगे उत्तरी गोलार्ध में देखोगा जना तापमान तो कम हो जाएगा, वायु दाब ज्यादा हो जाएगा, दिन छोटा हो जाएगा, रात बड़ी हो जाएगी। दिसंबर का महीना है, अब जब भी आप दिसंबर के महीने में दूर करते हो दिसंबर का महीना आप देखते हो तो उस समय देखो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरण है वो मकर रेखा पर चली जाएगी। उस समय आपने देखो सर्दी में तावड़ो कम पड़े, वायु दाब है वो ज्यादा हो जा, दिन है वह छोटा छोटा हो जा, और रात कहें कि हो जा बड़ी हो जा। क्लियर है? और उसके बाद में देखिए यहाँ पर दिसंबर के महीने में क्या पड़ती है, सर्दी पड़ती है, और सर्दी में आपके सामने ऋतु कौन सी प्रारंभ हो जाती है, शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। कौन सी ऋतु प्रारंभ हो जाती है दोस्तों, शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। क्लियर हुई थी बात। लेकिन एक चीज और बता दूं आपको कि जब सूर्य की किरण कर्क रेखा पर गिरेगी तब तो उसको कर्क आयनाद कहा जाता है, याद रखना कर्क आयनाद। और जब सूर्य की किरण देखो कर्क रेखा पर आएगी, जब कर्क आयनाद होगा, और जब सूर्य की किरण मकर रेखा पर आ जाएगी तो उसको मकर
आयनात कहा जाता है। याद रखना दोनों बातों को, क्लियर हुई इतनी बात। अब देखो आगे चर्चा करते हैं। जब सूर्य की किरणें आपके सामने देखी इस भूमध्य रेखा पर गिरती है, जैसे सूर्य की किरण देखिए दोस्तों कहाँ गिरेगी, जैसे सूर्य की किरण है वो आपके सामने कहाँ गिरेगी, इस भूमध्य रेखा पर गिरेगी। ये आपके सामने भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, और इधर आपके सामने ये सूर्य है ठीक है। अब देखिए 0 डिग्री से ऊपर ये वाला भाग उत्तरी गोलार्ध का और ये भाग दक्षिणी गोलार्ध का ठीक है। अब देखो यहां पर आप देखेंगे कि जब सूर्य की जो किरणें हैं वो सूर्य की किरण देखिए दोस्तों कहां पर गिरेगी, इसे भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर गिरेगी। कब गिरेगी तो याद रखना है 21 मार्च को और 23 सितंबर को, यानी दो बार याद रखना कि 21 मार्च को और 23 सितंबर को सूर्य की किरण है वो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, या फिर मैंने इसका नाम दिया था 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की जो किरणें हैं वो किरणें देखिए आपके सामने 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है उस पर गिरती है। किस पर गिरती है? विषुवत रेखा पर गिरती है। तो उस समय इस संपूर्ण पृथ्वी पर देखा जी दोस्तों, तो उस समय दिन रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? दिन रात बराबर होते हैं। याद रखना इस बात को कि पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होते हैं, कि जब सूर्य की किरण है वह भूमध्य रेखा पर आ जा, विषुवत रेखा पर आ जा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर आ जा, तो उस समय पृथ्वी पर दिन रात है वो क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। क्लियर हुई? उसके बाद में देखिए यहां पर आप देखेंगे तो पृथ्वी पर दिन रात बराबर होंगे, यानी उत्तरी गोलार्ध की बात करा तो एक मायने न तो दिन बड़ो होगो न रात बड़ी होगी, ना इमत दिन बड़ो होगो ना रात बड़ी होगी, ना इमत दिन छोटो होगो रात बड़ी होगी, ऐसा कोई प्रयोग नहीं रहेगा। यानी यहां पर देखो दिन है वो सेम रहेगा, यानी 12 घंटे का यहां पर दिन रहेगा तो यहां का दिन है वो भी क्या रहेगा? 12 घंटे का ही रहेगा। ऐसे ना तो छोटा होगा और ना बड़ा होगा, तब 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो यहां से एक ही लाइन में याद कर लो कि 21 मार्च व 23 सितंबर को जब सूर्य की किरण है वो भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर गिरती है या 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर गिरती है, तो उस समय संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात है वो बराबर हो जाते हैं। क्लियर है? तो यहां पर पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होंगे? जब सूर्य की किरण भूमध्य रेखा पर आ जाएगी उस समय। क्लियर है? अब देखो यहां पर आप देखेंगे कि जब सूर्य की किरण देखो 21 मार्च को और 23 सितंबर को इस पर गिर रही है भूमध्य रेखा पर, तो इस समय तो देखिए जब सूर्य की किरण 21 मार्च को इस भूमध्य रेखा पर होगी तब तो देखिए आपके सामने क्या कहलाएगा? बसंत विषुव। क्या कहलाएगा? बसंत विषुव। और जब सूर्य की किरण 23 सितंबर को जब भूमध्य रेखा पर गिरेगी तो उस समय देखो हो जाएगा शरद विषुव, यानी यहां पर तो शरद ऋतु प्रारंभ हो जाएगी और इधर से बसंत ऋतु है वो प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखें कि सूर्य की किरण जब 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर गिरेगी तो उस समय बसंत विषुव कहलाता है, और जब सूर्य की किरण 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर गिरती है तो उस समय शरद विषुव कहलाता है। तो ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। क्लियर बात इतनी? तो ये चीज तो दोस्तों आपको यहां से याद रखनी है कि पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर दिन रात बराबर किस कारण होते हैं, पृथ्वी पर दिन रात छोटे बड़े किस प्रकार से होते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया है वो इसी को लेकर के शुरू होगी कि जब सूर्य की किरण कर्क रेखा पर पड़ेगी तो उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में तापमान कम हो जाएगा, जब सूर्य की किरण मकर रेखा पर आ जाएगी तो इधर तापमान है वो ज्यादा हो जाएगा, इधर तापमान कम हो जाएगा। और जब ये तापमान ज्यादा और कम होता है, वायु दाब कम और ज्यादा होता है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये मानसूनी जो पवने होती है, जो वर्षा ऋतु में जो मानसूनी पवने होती है, वो मानसूनी पवने हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलना प्रारंभ करती है।
आप देखते हैं कि जब सूर्य की किरण 21 जून को देखिए सूर्य की किरण कर्क रेखा पर होती है तो उस समय वर्षा ऋतु है वो प्रारंभ होती है। तो उस समय देखो उत्तरी गोलार्ध में तापमान वो देखिए कैसा होता, ज्यादा होता, वायुदाब कम होता, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में तापमान तो जाता है कम और वायुदाब होता है ज्यादा। तो वायुदाब ज्यादा होने के कारण यहां से मानसूनी पवने उठ करके उत्तरी गोलार्ध की ओर प्रस्थान कर जाती है। ये चीजें मैं आपको बताऊंगा जब हम राजस्थान और इंडिया का मानसून पढ़ेंगे, उस मानसून में ये सारी चीजें अपन को वापस यहां से याद करनी होगी। यहां से यदि आपने समझ लिया तो वो टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आप इस संपूर्ण ग्लोब को आप यहां से इसका पूरा अध्ययन है वो पहले कर लें तो आगे की जो कंडीशन रहेगी वो पूरी की पूरी है वो आपके समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है तो आप इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करते रहे। अब देखो यहां से आपके सामने देखिए आपने पढ़ा है कि ऋतु कितनी होती है, ऋतु कितनी होती है तो यहाँ पर आप भी कई स्टूडेंट है वो तो बताएंगे तीन ऋतु, ग्रीष्म ऋतु बता देंगे, वर्षा ऋतु बता देंगे और वर्षा ऋतु के अलावा वो शीत ऋतु बता देंगे। लेकिन दोस्तों अगर भारतीय वर्ष के अनुसार देखें तो ऋतु ये वो कितनी होती है आप ध्यान रखेंगे, छह ऋतुएं होती है। कितनी ऋतुएं होती है? छह ऋतु। इन छह ऋतुओं का प्रयोग आप यहां से कर सकते हैं। देखो सबसे पहले देखें तो दोस्तों यहां पर आपके सामने सबसे पहले ऋतु आती है कौन सी, बसंत ऋतु। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आती है आपके सामने ग्रीष्म ऋतु और उसके बाद में तीसरे नंबर पर आती है दोस्तों आपकी वर्षा ऋतु। ये तीन ऋतु होगी, यानी सबसे पहले बसंत ऋतु होगी, उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु होगी और उसके बाद में वर्षा ऋतु होगी। लेकिन चौथे नंबर पर देखें तो चौथे नंबर पर आपके सामने कौन सी ऋतु आ जाएगी दोस्तों, को याद रखना है शरद ऋतु। कौन सी ऋतु आ जाएगी? शरद ऋतु। और शरद ऋतु के बाद में दोस्तों कौन सी ऋतु आ जाएगी तो याद रखना है हेमंत ऋतु। ये आपकी हेमंत ऋतु। और उसके बाद में छठे नंबर की ऋतु की बात करें तो छठे नंबर की ऋतु दोस्तों आपके सामने कौन सी होगी तो याद रखना है शिशिर ऋतु। कौन सी ऋतु आ जाएगी? शिशिर ऋतु। यानी पहले नंबर की आ गई बसंत ऋतु, दूसरे नंबर की आ गई ग्रीष्म ऋतु, तीसरे पर वर्षा ऋतु, चौथे पर शरद, पांचवे पर हेमंत और छठे पर शिशिर ऋतु। इनका क्रम जरूर याद रख लेना दोस्तों, कई बार एग्जाम में सीधा प्रश्न है वो पूछ लिया जाता है कि भारतीय महीनों के अनुसार ऋतुओं का सही क्रम क्या है, तो बसंत है, ग्रीष्म है, वर्षा है, शरद है, हेमंत है और शिशिर है। और यदि ऐसे याद नहीं रहे तो आपको मैं सूत्र बता दूं, उस सूत्र के हिसाब से आप यहां से याद कर सकते हैं। सूत्र यहां से आप बना सकते हैं बग्गी, बग्गी देखिए यहां पर मैं आपके सामने सूत्र बना रहा हूं, बग्गी बग्गी वर्ष में ऐसे कर लेना, वर्ष में हिमदेशी। बस थोड़ा सा अपन को इशारा चाहिए कि बग्गी वर्ष में हिमदेशी, तो यहां पर देखो बग्गी से तो हो जाएगा वैसे बसंत ऋतु, गी से हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु, वैसे हो जाएगा वर्षा ऋतु और सैसे हो जाएगा शरद ऋतु, हिम से हो जाएगा हेमंत ऋतु और यहां से हो जाएगा सी से हो जाएगा शिशिर ऋतु। ऐसे आप इनको याद कर सकते हो। अब दोस्तों बसंत ऋतु का आगमन देखो कौन से महीने से होता है, याद रखना है मार्च और अप्रैल, मार्च और अप्रैल। और उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु का बात ये अप्रैल के बाद में आता मई और मई के बाद में जून, मार्च अप्रैल मई जून। और उसके बाद में वर्षा ऋतु का बात ये तो याद रखना जुलाई अगस्त, अगस्त। और उसके बाद में जुलाई अगस्त के बाद में शरद ऋतु होती है सितंबर और अक्टूबर, अक्टूबर। फिर हेमंत ऋतु आती है आपकी नवंबर और दिसंबर। और उसके बाद में शिशिर ऋतु आती है आपकी दिसंबर के बाद में जनवरी और फरवरी। इस प्रकार से यानी मार्च अप्रैल में बसंत ऋतु, मई जून में ग्रीष्म ऋतु,
जुलाई अगस्त में वर्षा ऋतु और शीत ऋतु शरद ऋतु आ जाएगी, सितंबर अक्टूबर में, नवंबर दिसंबर में हेमंत ऋतु, और उसके बाद में जनवरी फरवरी में शरद शिशिर ऋतु। इस प्रकार से दोस्तों आपको ये चीज है वो याद कर रखनी है। लेकिन अगर भारतीय महीनों की बात करें तो ये तो है आपके सामने मार्च अप्रैल जो अंग्रेजी के महीने चलते हैं, भारतीय महीनों के अनुसार देखें तो मित्रों यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं। देखो बसंत ऋतु मार्च अप्रैल यानी चेत बैसाख, चेतर बैसाख, और उसके बाद में आप इनको क्रम से रखते जाइए, चेत बैसाख, उसके बाद में जेठ साढ़ या आषाढ़, उसके बाद में श्रावण भाद्रपद, महीना तो आता होगा याद है क्या सबको, यानी चेत बैसाख जेठ साढ़ श्रावण भादो, ऐसे आते हैं क्या आपको, आते हैं तो आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये किस किस को ये भारतीय महीनों के नाम हुए याद है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि चेत बैसाख जेठ साढ़ श्रावण भादो, और उसके बाद में आता है आपके सामने आश्विन, आश्विन, और उसके बाद में कार्तिक या कार्तिक, और कार्तिक के बाद में कौन सा महीना आता है तो याद रखना है मार्गशीर्ष, कौन सा महीना आता है मार्गशीर्ष, और मार्गशीर्ष के बाद में कौन सा महीना आता है दोस्तों तो याद रखना है पौष, और पौष के बाद में कौन सा आता है माघ, और माघ के बाद में आता है फाल्गुन, फाल्गुन। देखो चेत वैसाख जेठ साढ़ श्रावण भादो आसो कार्तिक मार्गशीर्ष और पौष माँ फाल्गुन, ऐसे आप यहां से याद करेंगे इनको। तो यहां से देखो बसंत ऋतु कब आती है, चेत बैसाख माह है, उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु आवे जेठ साढ़ का महीने, वर्षा ऋतु आवे श्रावण भादवा में, और उसके बाद में शरद ऋतु आवे आसोज और कार्तिक में, फिर हेमंत ऋतु आवे है मार्गशीर्ष और पौष में, उसके बाद में शिशिर ऋतु आती है माँ और फाल्गुन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माघ और फाल्गुन। तो ऐसे ही भारतीय महीनों के अनुसार अंग्रेजी महीनों के अनुसार ये ऋतु आप ध्यान रखेंगे कि बसंत ऋतु ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु शरद ऋतु हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, इनको दोस्तों आप याद करना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गई पृथ्वी की गतियां, इन गतियों को आप याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में बार बार प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, इनको आप ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो ये पसंद आया है तो वीडियो को दोस्तों आप अधिक से अधिक इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और शेयर करने के साथ साथ आप सुझाव के लिए कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल के साथ, जिसमें अपन नए एक टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ये तो आपकी पृथ्वी की जो गतियां हैं वो तो अभी समाप्त हो चुकी है, आगे देखेंगे कि ये चंद्र ग्रहण कैसे होता है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है, पृथ्वी सूर्य के नजदीक कब हो जाती है, दूर कब हो जाती, तो इनके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक आप बने रहिए इस चैनल के साथ, लगातार आपको ऐसे वीडियो है वो मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों।